नमस्कार, कबीर न्यूज लेकर आया है आपके लिए आकर्षक क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें संबंधित वीडियो से ही एक सवाल पूछा जाएगा और इसका सही उत्तर वीडियो अपलोड होने के एक घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। जीतने वाले को कबीर न्यूज की तरफ से एक आकर्षक इनाम दिया जाएगा। विजेता का चुनाव सही जवाब देने वालों में से लकी ड्रॉ करके निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया आपके समक्ष ऑनलाइन होगी, तो देर किस बात की, लिख भेजिए अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। आज जन्मदिवस है उस महिला का जिसने महिलाओं को गर्व से जीने का अधिकार प्रदान किया। अधिकार महिलाओं को कलम पकड़ने का, अपने विचारों को शब्दों में जीवित करने का। आज महिलाओं के उद्धारक का जन्मदिवस है। आज जन्मदिन है सावित्रीबाई फूले का, वह महिला जिसने धर्म और समाज के विपरीत कार्य करके शूद्र और महिलाओं को एक स्थान देने का प्रयास किया। हर वर्ग की महिलाओं के लिए 1 जनवरी 1848 में स्कूल की स्थापना की और सामाजिक परिवर्तन के लिए पुरुषों को चुनौती दी। धर्म के अंधे उच्च वर्ग के लोगों ने इन्हें रोकना चाहा, रास्ते में पत्थर और गोबर की बौछार की, लेकिन मानसिक दृढ़ता की प्रबल नारी ने हार नहीं मानी। यहां तक कि धर्म के खिलाफ कार्य करने के कारण ज्योतिबा जी और सावित्री जी को अपना घर तक त्यागना पड़ा। जब आप पुणे के स्कूलों की संख्या 1 से 18 करके दिए, सावित्री बाई फूले विधवाओं के लिए मौलिक चार्टर साबित हुई। सावित्री बाई फूले ने शिक्षा के बाद समाज की अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया, जिसमें विधवाओं की स्थिति जो समाज में बदतर थी उनके लिए अनेकों प्रयास किए। अधिकांश ब्राह्मण परिवारों की विधवाओं गर्भवती होने पर या तो आत्महत्या कर लेती थी या अपने बच्चों को फेंक दिया करती थी। इन विधवाओं की पीड़ा को उन्होंने समझा और 1863 में आंदोलनकारी मित्र उस्मान शेख के घर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां विधवाएं आकर अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी, जहां उनका नाम गुप्त रखा जाता था। इस गृह में इसके तहत 4 सालों के अंदर 100 से अधिक विधवा स्त्रियों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। इसी गृह में विधवा काशीबाई के बच्चे को सावित्रीबाई फूले ने बच्चे की तरह पाला और उसका नाम यशवंत रखा। सामाजिक परिवर्तन के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फूले हर उस सामाजिक बुराई को समाज से दूर करना चाहती थी जिसमें महिलाओं का जीवन कष्टकारी बन गया है। यह महिला इंटरकास्ट मैरिज और विवाह पूर्ण गर्भधारण को गुनाह नहीं मानती थी। वह हर उस महिला के साथ खड़ी रहती थी जिन्हें समाज कलंकित मानता था। सावित्री बाई फूले नाम है उनका जिन्होंने महिलाओं शूद्रों के लिए आधुनिक भारत में हिंदू धर्म को पहली संगठित चुनौती दी। शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं की शिक्षिका और पद प्रदर्शक मां सावित्री बाई का जीवन अनवरत न्याय के खिलाफ संघर्ष करते और न्याय की स्थापना के लिए बीता। उनकी मृत्यु भी 1897 में समाज सेवा करते हुए ही हुई। आज की कर्मकांड में डूबी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि हर हाल में उन देवियों को छोड़कर अपनी उस देवी को पूजा करें जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे ही धर्म से लड़ाई लड़ी। हर बहुजन से आग्रह है कि 3 जनवरी को ही अपना शिक्षक दिवस मनाएं और अपने परिवार और बच्चों की मां सावित्री बाई के अथक प्रयासों और बातों को जरूर बताएं। आग्रह है सरकार से और मनुवादी लेखकों से कि सावित्री बाई को सिर्फ दलितों तक ही सीमित ना करें, उनके प्रयासों को अपने किताबों में लेखांकित करें, उनके प्रयासों को संजोएं और पीढ़ी दर पीढ़ी विचार करें। आज का सवाल, ज्योतिबा फूले जी के पिताजी का क्या नाम था?